नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का थर्ड चैप्टर जल संसाधन। जल संसाधन में आज हम पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं जो जल संसाधनों के उचित प्रबंधन तथा जल से जुड़ी हुई समस्याओं पर नियंत्रण पाने के लिए शुरू की गई हैं, और इन परियोजनाओं से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति जो है वो एक साथ की जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हमें कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। जो परियोजनाएं एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं तो उनसे होने वाले जो लाभ हैं वो हैं, नंबर एक है जल विद्युत पैदा की जाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं द्वारा जल विद्युत पैदा की जाती है, मछली पालन किया जाता है, नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है, सूखे की समस्या हल हो जाती है, और बांध के पीछे जो झील बनाई जाती है जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है वो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। बांध के साथ बनी हुई झील में जो है वो बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है, वृक्षारोपण भी किया जा सकता है क्योंकि वहां पर जल संग्रह किया जाता है, तो उस जल संग्रह के साथ में वृक्षारोपण भी हम कर सकते हैं। वन्य जीवों को आश्रय मिलता है और आंतरिक नौचालन में भी ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं सहायक होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से जहां हमें लाभ होता है वहां पर कुछ हानियां भी होती हैं, क्योंकि नदी पर बांध बनाया जाता है और उससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है जो कि हमने अभी पढ़ा है। उसके बाद हानियां जो है वो क्या है कि नदी पर बांध बनाने से नदियों का जो प्राकृतिक बहाव है वो रुक जाता है। नंबर दो जो है वो है नदी कई खंडों में बट जाने के कारण जो जलीय प्राणी हैं उनका प्रवास में जो है वो बाधा आती है और वनस्पति नष्ट हो जाती है, और उपजाऊ जो मिट्टी है बांध जहां पर बनाया गया है वहां पर जो जल संग्रह हुआ है उसमें उपजाऊ जो मिट्टी है वो ही समा जाती है, और जहां पर नदी पर बांध बनाया जाता है वहां पर जो समुदाय उस जगह पर रहते हैं, उस नदी के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, तो उन समुदायों का विस्थापन हो जाता है। बच्चों, आज की क्लास यहीं तक है।